what is रसायन एंड what इज द इफेक्ट ऑफ रसायन थेरेपी। तो ये रसायन चिकित्सा जो आयुर्वेद ने बताई है उसका मतलब क्या है और वो कौन कौन करवा सकते हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूँ डॉक्टर विशाल, साथ में आयुर्वेद। यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, यानी कि रसायन चिकित्सा वो है जो हमारे शरीर में जो जरा मतलब कि ओल्ड एज आती है उसको फील ना होने दे और जरा के कारण मतलब उम्र के कारण शरीर में जो भी व्याधियाँ आती है, तकलीफें आती है, जैसे कि किसी को सुनाई कम पड़ता है, किसी को देखने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, या फिर बाहर जाने के लिए किसी दो का सहारा या बेड पर से उठने के लिए किसी एक दूसरे का सहारा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब चीज़ें से दूर रखती है और आदमी अपना काम स्वतः अपने आप से कर सकता है, वो ट्रीटमेंट है रसायन चिकित्सा। दीर्घम आयु स्मृति मेघ आरोग्य तरुणम वय प्रभावर्ण स्वरोदार्य देहेन्द्रिय बलपरम वाक् प्रणति कांतिम लभते ना रसायनम लाभोपाय सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। तो ये जो श्लोक है उसमें रसायन के फायदे बताए गए हैं, जिसमें से कुछ फायदे ये है कि जैसे कि आपके शरीर में बल की पुष्टि रहती है, बल शरीर में बना रहता है और आपकी इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया और जो कर्मेंद्रिय है, जो शरीर में दिक्कत आती है ओल्ड एज में वो ज्ञानेन्द्रिय रिलेटेड और कर्मेंद्रिय रिलेटेड होती है, मतलब कि आप चलने में दिक्कत रहती है, फिर किसी को सुनने में दिक्कत रहती है, किसी को देखने में दिक्कत रहती है, किसी को याददाश्त में दिक्कत रहती है, कोई जल्दी भूल जाता है, तो ये सभी जो दिक्कतें हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है रसायन ट्रीटमेंट। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रसायन आर मेंशन इन अवर संहिता लाइक त्रिपुरा रसायन, अश्वगंधा रसायन, भृंगराज रसायन, बल्लातक रसायन, ब्राह्म रसायन। तो ये सभी जो रसायन है वो हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में वर्णित किए हैं, उसका फायदा कैसे लेना चाहिए। तो रसायन करने से पहले हमारा शरीर पूरा क्लीन होना चाहिए, क्लीन माने कि पंचकर्म से पूरा वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण आदि क्रिया से हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, उसके बाद ये जो रसायन है उसका हमें फायदा मिल सकता है। रसायन स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं होती, आपको रसायन का इफेक्ट लेना है तो आप शुरुआत से ही मतलब मिड एज से ही आप उसका सेवन करना चालू कर दीजिए, जिससे कि आपको ओल्ड एज में उसका बेहतरीन फायदा आपको मिल सके